नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर वैद्य, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? इस बीमारी में क्या होता है कि मरीज जब सोते हैं तब उनकी सांस रुक जाती है। इसके कारण पूरे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। जैसे ही सांस रुक जाती है, मरीज का जो ऑक्सीजन स्तर है वो नीचे गिर जाता है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सांस रुकने के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। इसका सीधा असर जो है वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पे पड़ता है, जिसको जो है हार्ट। तो हार्ट में एरिदमियाज होना, हार्ट का पल्मोनरी प्रेशर बढ़ना और हार्ट में फेलियर में जाने की संभावना, ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है ब्रेन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में स्ट्रोक आने के यानी पैरालिसिस होने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज जो हैं वो डायरेक्ट स्ट्रोक या हार्ट की बीमारियां लेकर अस्पताल में या डॉक्टरों के पास आते हैं, और जब हम उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं या उनका जब प्रॉपर इवेल्यूएशन करते हैं तब पता चलता है कि इनको तो ओएसए था। यदि ये ओएसए हम पहले डायग्नोस कर लेते या उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद उनको स्ट्रोक या हार्ट की बीमारियों से बचाया जा सकता था। इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सही डायग्नोसिस और सही इलाज करना जरूरी है।